नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ईस्ट हैव फिलाेंटस बॉडीज विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी पहले ही गलत हो गया ईस्ट जो है यूनिसेलुलर सेल है और फंगाई है फंगस में आप देखेंगे तो ज़्यादातर मल्टी सेलुलर बॉडी होती है और थ्रेड लाइक हाइफी होता है तो ईस्ट में हाइफी नहीं पाया जाता है सिंगल सेल फंगस है पहला ही स्टेटमेंट गलत होगा इसके अलावा और भी देख लेते हैं मॉरल एंड ट्रफल्स आर इडेबल सही है भाई इज़ अ सोर्स ऑफ मैनियल क्लोइ्स एनएलएसडी डी ये भी सही है कोनीडिया प्रोड्यूस एक्जोजनसली सही है एंड एस्को स्पोर्स एंडोजिनसली तो गलत स्टेटमेंट जो है पहला वाला है फर्स्ट का ए सही आंसर हो जाएगा ठीक है ये स्टेटमेंट गलत है देन आते हैं कॉलम मैचिंग पे कॉलम मैचिंग में क्या है पहला कॉलम दिया हुआ है इधर सेप्रोफाइट पैरासाइट लाइकेन और माइक्रोराइजर इधर दिया सिम्बाटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट रूट तो ये तो सीधा आंसर हो जाएगा पहले का हो जाएगा डी माइक्रोराइजर एसोसिएशन देन डी कम्पोजिशन ऑफ डेड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल डी ए डीकम्पोजिशन वाला काम जो होता है डीकम्पोजर करते हैं जैसे कि सेप्रोफाइट को ले लेते हैं तो सेकेंड का आई थिंक ए का सेकेंड हो जाएगा देन Uh, क्या है लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स तो ये तो पैरासाइट हो जाएगा कि एक लिविंग पैरासाइट जो इंसेक्ट भी हो सकता है या बैक्टीरिया है वो दूसरे प्लांट या एनिमल पे ग्रोथ करता है नेक्स्ट सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गियन फनजाई इसे तो लाइकियन कहते हैं तो सही आंसर देख लेते हैं सेकेंड का क्या है सही आंसर यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ए वाला है सेकेंड का ए आंसर सही होगा ठीक है सेकेंड का आंसर ए वाला सही होगा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अब इसमें से फिर से वही दे दी गई कहानी कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स वायराइड्स लैक अ प्रोटीन कोट वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट और चौथा दिया हुआ है इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स इन वायरसेज इज़ द प्रोटीन कोट तो पहला भी सही है आंसर मतलब सही है स्टेटमेंट दूसरा भी स्टेटमेंट सही है वायरॉइड्स में केवल आर होता है प्रोटीन नहीं होता है प्रियॉन्स एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइड तीनों से स्टे, स्टेटमेंट पहले तीन सही हैं गलत स्टेटमेंट यही है तो सही आंसर जो होगा तीसरे का डी होगा यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है राइट अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं मैच uh, कराना है यहाँ पे आई थिंक आर की बैक्टीरिया से क्वेश्चन है और साइनोबैक्टीरिया uh, को भी दे दिया गया है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में मैच कराने के लिए हेलोफाइल्स थर्मो एसिडोफाइल्स मिथेनोजेंस सैनोबैक्टीरिया तो मिथेनोजेंस का सीधा सी का थर्ड हो जाएगा गट ऑफ रोमिनंट्स हेलोफाइल्स साल्टी एरिया में होते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं हाई टेम्परेचर को टॉलेट कर सकते हैं सैनोबैक्टीरिया एक वेक्टिक इन्वायरमेंट में तो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड का मैचिंग समझ में आ गया इसका सही आंसर देख लेते हैं हम लोग ठीक है ये इसका सही आंसर uh, कौन सा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन था तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ए वाला हो जाएगा राइट right? फोर्थ का ए हो जाएगा ये वाला नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रो कैर इनमें से कौन प्रो कैरियाट नहीं है नीट 2018 का क्वेश्चन है सैक्रोमाइसीज सेक्रोमाइसीज ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम है ठीक है साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सेवेसी नॉस्टॉक जो है ये प्रोकैरियोट है ये ब्लू ग्रीन एलगी माइको बैक्टीरियम ये बैक्टीरिया है ऑस्किलेटोरिया ये भी ब्लू ग्रीन एलगी में आता है तो बी डी सी ये तीनों जो हैं प्रोकैरियोट हैं हैं बार बार धुंधला हो रहा है रुकिए मैं इसको ना एडजस्ट कर लेता हूँ फिर आगे हम लोग करेंगे एक मिनट रुक जाइए आप लोग चलिए अब मेरे ख्याल से हिलेगा नहीं बार बार वो स्क्रीन डिस्टर्ब हो रही थी तो सैक्रोमाइसिस सैक्रोमाइसिस इज द फंजाई इसका नाम कॉमन ईस्ट है तो मेरे हिसाब से पाँचवें का हम लोग देख रहे थे ना पाँचवें का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए वाला राइट अब क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या पूछा है इन्होंने सेलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा है सेलवॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी सही है सेलवॉल प्रेजेंट होता है मशरूम बिलोंग्स टू बेसीडियोमाइसिड्स सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन डी एम माइटोकंडिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा तो मोनेरा तो प्रो कैरियाट है तो प्रो कैरियाट में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं तो उसमें माइटोकॉन्डिया तो होगा नहीं तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर जो आपका छठवें का हो जाएगा वो सी आंसर है ठीक है सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन स्पोरोजोन में नहीं होता है बल्कि अमीबॉयड प्रोटोजोन में होता है वहाँ पे सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है जैसे अमीबा में एंड अमीबा इस्टोलिटिका में ठीक है स्पोरोजोन्स में नहीं होता है तो छठवें का जो सी स्टेटमेंट है वो गलत है तो आपका सही आंसर हो गया सी वाला तो यहाँ पर भी हम लोगों ने छः क्वेश्चन के आसपास देख लिए आसपास के छः क्वेश्चन पूरे कर ही लिए और अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है एनिमल किंगडम वाला उसको भी हम लोग कवर करेंगे